कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी और इसी क्षेत्र के सांसद, केंद्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह, गुजरात के लोकप्रिय मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी, संसद में मेरे साथी श्री सीआर पाटिल, इनस्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका जी, स्पेस विभाग के सचिव श्री एस सोमनाथन जी, भारत की स्पेस इंडस्ट्री के सभी प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ा है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस के हेडक्वार्टर के लिए सभी देशवासियों को और विशेष करके साइंटिफिक कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर युवाओं को कुछ एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग पोस्ट करना होता है तो उससे पहले वो अलर्ट करते हैं और अलर्ट में मैसेजिंग करते हैं, वॉच दिस स्पेस, वॉच दिस स्पेस। भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए इन स्पेस का लॉन्च होना वॉच दिस स्पेस मोमेंट की तरह ही है। इन स्पेस भारत के युवाओं को, भारत के बेस्ट साइंटिफिक माइंड्स को अपने टैलेंट दिखाने का एक अभूतपूर्व अवसर है। चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में, इन स्पेस सभी के लिए बेहतरीन अवसर लेकर के आया है। इन स्पेस में, भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की बहुत क्षमता है और इसलिए मैं आज जरूर इस बात को कहूंगा कि वॉच दिस स्पेस। इन स्पेस इज फॉर स्पेस, इन स्पेस इज फॉर पेस, इन स्पेस इज फॉर एस। साथियों, दशकों तक भारत में स्पेस सेक्टर से जुड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री को सिर्फ वेंडर के तौर पर ही देखा गया। सरकार ही सारे स्पेस मिशन और प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों से जरूरत के हिसाब से बस कुछ पार्ट्स और इक्विपमेंट्स ले लिए जाते थे। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ वेंडर बना देने की वजह से उसके सामने आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा अवरुद्ध रहे, एक दीवार खड़ी रही जो सरकारी व्यवस्था में नहीं है।
भले ही वो कोई वैज्ञानिक हो या फिर कोई युवा, वो स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने आइडियाज पर काम ही नहीं कर पाते थे। और इस सब में नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान देश का हो रहा था। और इस बात गवाह है कि आखिर बिग आइडियाज ही तो विनर्स बनाते हैं। स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म करके, उसे सारी बंदिशों से आजाद करके, इन स्पेस के माध्यम से प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करके देश आज विनर्स बनाने का अभियान शुरू कर रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वेंडर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस सेक्टर में बिग विनर्स की भूमिका निभाएगा। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। इन स्पेस स्पेस इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इसरो के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर इसरो के रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सके, इसरो के साथ मिलकर काम कर सके, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, स्पेस सेक्टर में ये रिफॉर्म करते समय मैंने हमेशा भारत के युवाओं का असीम सामर्थ्य रहा। और अभी जिन स्टार्टअप्स में जाकर के मैं आया हूं, बहुत छोटी आयु के नौजवान और बहुत बुलंद हौसले के साथ वो कदम आगे रख रहे हैं। उनको देख करके, उनको सुन करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं इन सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। स्पेस सेक्टर में पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसमें भारत के युवाओं को उतने मौके नहीं मिल रहे थे। देश के नौजवान अपने साथ इनोवेशन, एनर्जी और स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन को लेकर आते हैं। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बहुत होती है। ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई युवा कोई इमारत बनाना चाहे तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि सिर्फ पीडब्ल्यूडी से बनवाओ? अगर कोई युवा कुछ इनोवेट करना चाहता है तो क्या उसे हम बोल सकते हैं कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटी से ही होगा? ये सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स में यही हालत थी। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि समय के साथ रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन, इसके बीच में जो अंतर होता है उसे भुला दिया गया। आज जब भारत का युवा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना चाहता है तो हम उसके सामने ये शर्त नहीं रख सकते
कि जो करना है सरकारी रास्ते से ही करो, ऐसी शर्त का जमाना चला गया। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है, लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाएं, ताकि देश का प्राइवेट सेक्टर देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग में उतनी ही मदद करें। साथियों, यहां आने से पहले अभी मैं इनस्पेस की टेक्निकल लैब और क्लीन रूम भी देख रहा था। यहां सैटेलाइट के डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए आधुनिक उपकरण भारतीय कंपनियों के लिए उपलब्ध होंगे। यहां और भी कई आधुनिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे, जो स्पेस इंडस्ट्री का सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करेगा। आज मुझे प्रदर्शनी एरिया को भी देखने, स्पेस इंडस्ट्री और स्पेस स्टार्टअप के लोगों से बात करने का भी मौका मिला। मुझे याद है जब हम स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे थे तो कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि स्पेस इंडस्ट्री में कौन प्राइवेट प्लेयर आएगा, लेकिन आज स्पेस सेक्टर में 60 से ज्यादा भारतीय प्राइवेट कंपनियां आज ऑलरेडी उसमें लीड कर रही हैं, और उनको देख करके मुझे और प्रसन्नता हुई है। आज मुझे गर्व है कि हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथियों ने लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और स्पेस एप्लीकेशन के क्षेत्रों में तेजी से काम शुरू कर दिया है। पीएसएलवी रॉकेट के निर्माण के लिए भी भारत के प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए हैं। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट कंपनियों ने तो अपने खुद के रॉकेट की डिजाइन भी तैयार कर ली है। ये भारत के स्पेस सेक्टर की असीमित संभावनाओं की एक झलक है। इसके लिए मैं अपने साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, युवा उद्यमियों और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और इस पूरी यात्रा में ये जो नया मोड़ आया है, एक नई ऊंचाई का रास्ता चुना है, उसके लिए अगर मुझे किसी को सबसे ज्यादा बधाई देनी है, किसी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना है, तो मेरे इसरो के लोगों को धन्यवाद देना है। हमारे इसरो के पुराने सचिव यहां सामने बैठे हैं, जिन्होंने इस बात को लीड किया, और अब हमारे सोमनाथ जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए मैं इसकी पूरी क्रेडिट मेरे इन इसरो के साथियों को दे रहा हूं, इन साइंटिस्टों को दे रहा हूं। ये छोटा निर्णय नहीं है दोस्तों, और ये स्टार्टअप वालों को पता है कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय के कारण वो हिंदुस्तान को और दुनिया को क्या कुछ देने के लिए बुलंद हौसला रखते हैं, और इसलिए इसकी पूरी क्रेडिट इसरो को जाती है। उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ करके कदम उठाए हैं, चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, और जहां अपनी ही मालिकी थी वो कह रहे नहीं, आइए देश के नौजवान, ये आपका है, आप आगे बढ़िए।
ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन है। साथियों, हम इस समय अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज भारत में हमारी जिन सफलताओं ने करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा दी, उन्हें आत्मविश्वास दिया, उनमें हमारी स्पेस उपलब्धियों का विशेष योगदान है। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है, देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है, और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है, और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। और अगर कहीं कुछ अनहोनी हो जाए, अकल्पनीय हो गया, तो भी देश अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाता है। कोई साइंटिस्ट है या किसान मजदूर है, विज्ञान की तकनीकियों को समझता है या नहीं समझता है, इन सबसे ऊपर हमारा स्पेस मिशन देश के जन गण के मन का मिशन बन जाता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। अब जब इस अभियान को भारत के प्राइवेट सेक्टर की ताकत मिलेगी, तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, 21वीं सदी के इस समय में आपकी हमारी जिंदगी में हर रोज स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा भूमिका, जितने ज्यादा एप्लीकेशन, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। सामान्य मानवी के जीवन में स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है, रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है, उसकी तरफ अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हम टीवी खोलते हैं, इतने सारे चैनल हमें उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। कहीं आना जाना हो, ये देखना हो कि ट्रैफिक है या नहीं, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, ये सब किसकी मदद से हो रहा है? सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। अर्बन प्लानिंग के इतने काम हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं ग्राउंड वाटर टेबल चेक करना है, इंफ्रा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है, ये सारे काम सैटेलाइट की मदद से हो रहे हैं। हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, उनकी प्लानिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट में भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी सैटेलाइट के जरिए फिशिंग और समुद्री तूफानों की जानकारी पहले से मिल जाती है। आज बारिश के जो अनुमान आ रहे और करीब करीब सही निकल रहे हैं, उसी प्रकार से जब साइक्लोन आता है, एग्जैक्ट उसका फॉल पॉइंट क्या होगा, किस दिशा में जाएगा,
कितने घंटे कितने मिनट पर वो फॉल करेगा, ये सारी बारीकियां सैटेलाइट की मदद से मिल रही है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहे फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का अभियान हो, सभी में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम आज के आधुनिक एविएशन सेक्टर की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। भविष्य में, और आपको मालूम होगा इस बार बजट में हमने टीवी के माध्यम से बच्चों को ट्यूशन देने का, पढ़ाने का एक बड़ा अभियान करने की योजना बजट में बताई है। इतना ही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं और जिन बच्चों को गांव छोड़कर के बड़े शहरों में बहुत महंगी फी देकर के ट्यूशन लेना पड़ता है, उसको भी हम इस सैटेलाइट के माध्यम से उसके घर तक इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेबस तैयार करवा रहे हैं, ताकि बच्चे उनको एक्स्ट्रा खर्चा न कपड़े और गरीब का गरीब बच्चा भी अच्छे से अच्छी ट्यूशन सैटेलाइट के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सके, उस दिशा में हम जा रहे हैं। साथियों, भविष्य में ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में स्पेस टेक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है। हम कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को सामान्य मानवीय के लिए ज्यादा से ज्यादा सुलभ बना सके, कैसे स्पेस टेक ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का माध्यम बने, और कैसे हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के विकास और सामर्थ्य के लिए कर सकते हैं, इस दिशा में इन स्पेस और प्राइवेट प्लेयर्स को लगातार काम करने की जरूरत है। जियो स्पेशल मैपिंग से भी जुड़ी कितनी ही संभावनाएं हमारे सामने हैं। प्राइवेट सेक्टर की इनमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हमारे पास आज सरकारी सैटेलाइट का बड़ा डेटा अवेलेबल है। अब आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के पास भी अपना काफी डेटा होगा। डेटा की ये पूंजी आपको दुनिया में आपको बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। इस समय दुनिया में स्पेस इंडस्ट्रीज का साइज करीब $400 बिलियन का है। 2040 तक इसके $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने की संभावना पड़ी हुई है। आज हमारे पास टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में हमारे पार्टिसिपेंट केवल जनभागीदारी यानी प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ 2% है। हमें ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ाना होगा, और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है। मैं आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म और स्पेस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भी भारत की मजबूत भूमिका देख रहा हूं। भारत की स्पेस कंपनियां ग्लोबल बने, हमारे पास ग्लोबल स्पेस कंपनी हो, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। साथियों, हमारे देश में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन अनंत संभावनाएं कभी भी सीमित प्रयासों से साकार नहीं हो सकती। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म का यह सिलसिला आगे भी अनवरत जारी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर की जरूरतों को सुना जाए, समझा जाए,
व्यापार की संभावनाओं का आकलन किया जाए, इसके लिए एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया गया है। इन स्पेस, इस दिशा में प्राइवेट सेक्टर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। सरकारी कंपनियां, स्पेस इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और इंस्टीट्यूट्स के बीच सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने के लिए भारत नई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर भी काम कर रहा है। हम स्पेस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी जल्द ही एक पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। साथियों, मानवता का भविष्य, उसका विकास आने वाले दिनों में दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। हम जितना जल्दी उसको एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया के स्पर्धा में हम देरी किए बिना जितने आगे बढ़ेंगे, हम परिस्थितियों को लीड भी कर पा सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और वो दो क्षेत्र हैं, एक है स्पेस, दूसरा है सी, समंदर। ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं और आज हम नीतियों के द्वारा उन सबको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और देश के नौजवानों को इसके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पेस के लिए हमारे युवाओं में, खास करके स्टूडेंट्स में जो क्यूरियोसिटी हो, वो भारत के स्पेस इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि देश में बनी हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स में स्टूडेंट्स को स्पेस से जुड़े विषयों से निरंतर परिचित कराया जाए, उन्हें अपडेट रखा जाए। मैं देश के स्कूलों और कॉलेजों को भी आग्रह करूंगा कि वो अपने विद्यार्थियों को स्पेस से जुड़ी भारतीय संस्थाओं और कंपनियों के बारे में बताएं, उनकी लैब्स की विजिट कराएं। इस सेक्टर में जिस तरह लगातार भारतीय प्राइवेट कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, उससे भी इन्हें मदद मिलने वाली है। आपको ध्यान होगा कि भारत में पहले, मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों था, लेकिन था, मुझे दायित्व मिला उसके पहले स्थिति यह थी कि जब सैटेलाइट लॉन्च होता था तो उस पूरे क्षेत्र में किसी को एंट्री नहीं होती थी। और हम जैसे जो नेता लोग होते हैं, उनको वीआईपी की तरह वहां 12-15 लोगों को इनवाइट करके दिखाया जाता था कि एक सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, और हम भी बड़े उत्साह के साथ देख रहे थे। लेकिन मेरी सोच अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। जब मैं पहली बार वहां प्रधानमंत्री के रूप में गया तो हमने एक निर्णय किया था। हमने देखा है कि देश के छात्रों में दिलचस्पी है, क्यूरियोसिटी है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए जहां से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो हरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में, हमने एक बहुत बड़ी लॉन्च देखने की, जब सैटेलाइट जाता है उसको देखने के लिए व्यू गैलरी का निर्माण किया है। और कोई भी नागरिक, कोई भी स्कूल का विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम को देख सकता है, और बैठने की व्यवस्था भी छोटी नहीं है, 10,000 लोग बैठ करके इस सैटेलाइट लॉन्च को देख सके, इसका प्रबंध किया है। चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन भारत के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है। साथियों, इन स्पेस हेडक्वार्टर का लोकार्पण आज हो रहा है, एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र बनता जा रहा है।
मुझे इस बात की भी खुशी है कि गुजरात अलग अलग सेक्टर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े संस्थानों का सेंटर बनता जा रहा है। मैं भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम को, गुजरात सरकार के हमारे सभी साथियों को, उनके इस इनिशिएटिव के लिए, प्रोएक्टिव हर नीतियों को सपोर्ट करने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपको मालूम है, अभी कुछ सप्ताह पहले ही जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का काम शुरू हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एनर्जी यूनिवर्सिटी हो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हो, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी हो, कितने ही नेशनल इंस्टीट्यूट यहां आसपास में ही हैं। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी BISAT, इसकी स्थापना देश के अन्य राज्यों का भी प्रेरणा बन गई है। इन बड़े संस्थानों के बीच अब इन स्पेस भी इस जगह की पहचान बढ़ाएगा। मेरा देश के युवाओं से, विशेषकर गुजरात के युवाओं से आग्रह है, वो इन बेहतरीन भारतीय संस्थाओं का पूरा लाभ उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है, आपकी सक्रिय भूमिका से भारत स्पेस सेक्टर में नई ऊंचाई हासिल करेगा। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं खास करके जो प्राइवेट सेक्टर ने उत्साह के साथ भाग लिया है, जो नौजवान नए हौसले नए संकल्प के साथ आगे आए हैं, उनको बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को भी, उस इसरो की पूरी टीम को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे विश्वास है गोयंग का प्राइवेट सेक्टर में बहुत सफल व्यक्तित्व रहा है, उनके नेतृत्व में इन स्पेस सच्चे अर्थ में जो सपना हमारा है, उस सपने को पूरा करने का सामर्थ्य लेके आगे बढ़ेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।